हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक थॉट। अब से 3 वीडियोस डेली आया करेंगे और बाकी आपके कोर्स की तो आएंगी ही, तो इसमें हम देखेंगे थॉट ऑफ द डे। तो अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। और अगर आप हिंदी में देखें तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आप उठो जागो, मतलब उठो उस काम को करने के लिए प्रयास करो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपका गोल ना मिल जाए। आप एक बार अनसक्सेसफुल होंगे, एक बार हारेंगे, दूसरी बार हारेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि आप ज़िंदगी भर हारते ही रहेंगे। अगर आप प्रयास करते रहेंगे ना, मतलब आपके प्रयासों में कमी नहीं होगी, तो आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, तो उनको बहुत सारी असफलताएं मिलती हैं, मगर उनकी सक्सेस का एक ही जो है वो राज होता है या रहस्य होता है, वो ये होता है कि वो कभी हार नहीं मानते। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी जब बल्ब का आविष्कार किया था, उससे पहले 1000 टाइम्स, कई हज़ार बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कई अलग अलग चीज़ों से एक्सपेरिमेंट किए थे, मगर वो बल्ब नहीं बना पा रहे थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार एक उनसे किसी इंटरव्यू को ले रहे थे, उन्होंने पूछा कि मतलब आपको क्या दुख नहीं होता कि आपने इतनी सारी गलतियाँ करी, आपने इतना बार आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ा और आपको इतनी ज़्यादा असफलताएं मिली। तो एडिसन ने कहा, क्योंकि एडिसन ने ही बल्ब का एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत सारे वेज सीख लिए हैं जिससे हम लोग अनसक्सेसफुल हो सकते हैं, मतलब ये वेज हम लोगों को दोहराने नहीं हैं। तो आप निगेटिविटी में से भी किस तरीके से पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। जो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, उन लोगों ने सबने अपनी लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे होते हैं, बहुत ही अनसक्सेसफुल रहे होते हैं, बहुत ही कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा होता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनके पास होती है, वो होती है हिम्मत। हिम्मत और ये सोच, ये जज्बा कि उन्हें रुकना नहीं है जब तक वो अपने गोल को ना रीच कर पाए, जब तक उनको अपना लक्ष्य ना मिल जाए, वो रुकते नहीं हैं। तो यही एक विनर की पहचान होती है। ये नहीं है कि आप हार गए, एक बार हार गए, दो बार हार गए, तो भाई हमारी तो किस्मत ख़राब है, हमें तो छोड़ के बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना होता है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको उसके पीछे दिन रात लगे रहना पड़ता है, तभी आपको वो चीज़ मिल पाती है। तो ये हमारा थॉट ऑफ द डे था, और ऐसे वीडियोज़ में डेली लाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं, अच्छा लगा वीडियो, तो ज़रूर लाइक करिए। और एक इंस्टा पे एक मैंने पेज स्टार्ट किया है लर्नर बी जीके के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।